Hello friends, welcome once again in my YouTube channel of Biology Concepts. As you all know, हम लोग आजकल सर्कुलेटरी सिस्टम के टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्डियक साइकिल। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कार्डियक वर्ड। एक्चुअली में कार्डियक वर्ड जो है स्टूडेंट्स, ये रिलेटेड है हार्ट से। अगर हम लोग जब भी कार्डियक की बात करेंगे तो कार्डियक वर्ड ऑलवेज रिफर्स फॉर हार्ट। तो हम लोग देखते हैं कि साइकिल का यहाँ पे क्या मीनिंग है, कि हार्ट में कौन सी साइकिल है, कैसे समझ सकते हैं। तो हम आपको बता दें स्टूडेंट्स, जो हार्ट हमारी बीट होती है वो कंटिन्यूअसली होती रहती है विदाउट एनी पॉज। अगर हमारी हार्ट बीट रुक जाती है तो वो पर्सन, उस पर्सन की डेथ हो सकती है, हो ही जाएगी, आप ऐसा कह सकते हैं डेफिनेटली। तो जो हार्ट बीट है ये कंटिन्यूअसली विदाउट एनी पॉज आप कह सकते हैं। हार्ट बीट कंटिन्यूअसली, आप ऐसा कह सकते हैं हार्ट बीट्स कंटिन्यूअसली विदाउट एनी पॉज थ्रू आउट द लाइफ एंड ऑल द एटीएम्स एंड वेंट्रिकल्स। आपको पता है कि दो ऑरिकल्स हैं, दो वेंट्रिकल्स हैं, तो जो ऑरिकल और वेंट्रिकल हैं वो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। और अगर हम रिदमिक की बात करें स्टूडेंट्स, तो रिदमिक का मतलब वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है और रिलैक्सेशन भी हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैनर में हो रहा है, इन ए स्पेसिफिक मैनर जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और रिलैक्सेशन हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैनर में ड्यूरिंग वन हार्ट बीट। आप ऐसा कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि एक हार्ट बीट के समय जो वो कंटिन्यूअस हार्ट बीटिंग हो रही है, हार्ट हो जाएगा यहाँ पे, एक हार्ट बीट के लिए जो रिदमिक हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और रिलैक्स कर रहा है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैनर में ये प्रोसेस हो रही है और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कार्डियक साइकिल। और ऑन एन एवरेज अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारा जो हार्ट बीट है वो 72 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में 72 टाइम्स हमारी हार्ट बीट आपको मिलेगी एवरेज अगर हम पर्सन की बात करें। कभी कभी हार्ट बीट का रेट ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं टैकीकार्डिया, और कभी कभी ये हार्ट बीट कम हो जाती है उस कंडीशन को हम लोग ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। तो टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया, ये तो दो डिफरेंट वर्ड है, ये आपके सिलेबस में तो नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन टैकीकार्डिया मींस जब आपकी हार्ट बीट्स बढ़ रही है नॉर्मल से, 72 से हो सकता है 92 हो जाए, 102 हो जाए। और ब्रैडीकार्डिया में क्या होगा, हार्ट बीट स्लो हो जाएंगी, ज्यादातर जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो ब्रैडीकार्डिया की सिचुएशन आती है। और अगर हम लोग एक हार्ट बीट की बात करें तो हमारी जो ना दोनों एट्रियम्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं साइमल्टेनियसली स्टूडेंट्स, और ब्लड फ्लो करेगा वेंट्रिकल्स में एंड देन बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, और फिर क्या होता है दोनों वेंट्रिकल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी एक साथ और टुगेदर क्या करेंगी, फोर्स करेंगी पंप, फोर्स करेंगी ब्लड को इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। इस बात को आप फिर से समझ लें, एक पर्टिकुलर जब ड्यूरिंग एक हार्ट बीट होगी तो हमारे जो दो एट्रिया हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट साइमल्टेनियसली तो जो ब्लड होगा वो फ्लो होके कहाँ जाएगा, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो ब्लड होगा फ्लो होके वेंट्रिकल्स में जाएगा, और दोनों के दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और ब्लड को फोर्स करेंगी पल्मोनरी आर्टरी, और कहाँ पे भेजेंगी, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा। और आपको मैंने स्टूडेंट्स पहले भी बताया हुआ है कि पल्मोनरी वर्ड बेसिकली हम लोग लंग्स के लिए यूज करते हैं, और एओर्टा के लिए मैंने आपको बताया दिस इज मेन आर्टरी। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्डियक साइकिल और हार्ट बीट। कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, जैसे हम लोग कुछ टर्म्स की नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि सिस्टोल डायस्टोल, पल्स रेट क्या होती है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ओके, ज्वाइंट डायस्टोल क्या होते हैं, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल क्या होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कार्डियक साइकिल स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर स्टडीज एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग मी। आई होप वी विल मीट सून फ्रेंड्स, थैंक यू।